हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पाठ दो व्यंजन में हम कैसे रह कर चुके, तो आज हम करेंगे चैसे ये। तो चैसे ये हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चै, चै, ये हमारा चै। इसको हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है हम 5 लाइन नोटबुक में बीच की 3 लाइनों में हम लिखते हैं, तो जो सबसे बीच की लाइन है वहां से हम स्लीपिंग लाइन लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने लगाई स्लीपिंग लाइन। अब हम बनाते हैं एक हाफ सर्कल जिसका फेस हम रखेंगे ऊपर की साइड पर। वो हाफ सर्कल हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हम जो ये स्लीपिंग लाइन लगाई है इसके ऊपर वापिस आएंगे ऐसे, यहां से हम थोड़ा सा इसको स्लैंटिंग रखेंगे, तो ये बनता है हमारा हाफ सर्कल। और फिर हम लगाते हैं एक स्टैंडिंग लाइन, तो ये हमारा बन जाता है वर्ण चै। ध्यान रहे हम पहले स्लीपिंग लाइन लगाएंगे। कई बार हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से ऐसे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, जो हमारा बिल्कुल भी सही नहीं बनता, ये हमारा गलत हो जाता है। तो हम कैसे बढ़ाएंगे, पहले हम लगाते हैं स्लीपिंग लाइन, थोड़ा सा हम इसके ऊपर से वापिस आए और हमने लगाई एक कर्व लाइन यहाँ तक, फिर हमने इसको स्लैंटिंग लाइन में बनाया, फिर हम लगाते हैं एक स्टैंडिंग लाइन, तो ये बनता है हमारा वर्ण चै। स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो ये बनता है हमारा वर्ण चै। इस तरह से चै बनाना जो है आसान होता है, हम आसानी से बना सकते हैं इसको। उसके बाद हम आता है हमारा वर्ण छह। के लिए हम पहले हाफ सर्कल लगाते हैं, फिर हम दूसरा हाफ सर्कल लगाते हैं जिसका फेस हम ऊपर की साइड रखते हैं, और यहाँ पे इस हम एक घुंडी देते हैं जिसको हम ऊपर की लाइन तक मिला देंगे, ये बनता है हमारा वर्ण छह। पहले एक हाफ सर्कल, फिर हमने बनाया उल्टा हाफ सर्कल जो हमने बीच की लाइन में मिलाया है, फिर हमने यहाँ पे एक पूरा सर्कल बनाया और इसको हम ऊपर की लाइन तक टच कर देंगे एक स्लीपिंग लाइन से, तो ये बनता है हमारा वर्ण छह। पहले एक हाफ सर्कल, फिर एक उल्टा हाफ सर्कल, फिर एक पूरा सर्कल, और फिर हम इस सर्कल को हम ऐसे बाहर निकालेंगे थोड़ा सा, तो ये बनता है हमारा वर्ण छह। हाफ सर्कल, फिर एक उल्टा हाफ सर्कल, पूरा सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो ये बनता है हमारा वर्ण छह। छह के बाद आता है जय। जय हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम पहले स्टैंडिंग लाइन लगा लेते हैं, फिर हम बीच की लाइन से एक स्लीपिंग लाइन स्टार्ट करेंगे, फिर हम एक हाफ सर्कल लगाएंगे जिसका फेस हम ऊपर की साइड रखेंगे, ये बनता है हमारा वर्ण जय। दोबारा से बनाएंगे इसको, पहले हमने लगाई एक स्टैंडिंग लाइन, बीच की लाइन से हमने लगाई एक स्लीपिंग लाइन, थोड़ा सा हम इस लाइन पे वापस जाएंगे और एक हाफ सर्कल जो आगे जाके हम स्लैंटिंग लाइन बना देंगे, तो ये बनता है हमारा वर्ण जय। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल, ध्यान रहे हमारे जो हम हाफ सर्कल लगा रहे हैं उसका फेस हम ऊपर रखेंगे, तो इस प्रकार से बनता है हमारा वर्ण जय। जय जय के बाद आता है हमारा वर्ण झ। झ हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने इस वर्णमाला स्वर में हमने ई से इमली बनाई थी, तो ऐसे ही हम पहले ई से इमली बनाएंगे, छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक हाफ सर्कल। ध्यान रहे ये स्टैंडिंग लाइन और हाफ सर्कल हमने दो ही लाइनों के बीच में बनाना है, ताकि हम दूसरी जो हमारी लाइन है नीचे की उसमें हम दूसरा हाफ सर्कल लगा सके, ये बनता है हमारा डै। इस पे हमने घुंडी लगाई तो बनती है हमारी ई, फिर हमने बीच की लाइन से एक स्लीपिंग लाइन लगाई, फिर हमने एक स्टैंडिंग लाइन लगाई, तो बनता है हमारा वर्ण झ।
दोबारा से एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व लाइन, फिर दूसरी कर्व लाइन, इसको हमने घुंडी दी, इसे इमली बनाया, फिर हमने स्लीपिंग लाइन लगाई, फिर हमने स्टैंडिंग लाइन लगाई, छोटी स्टैंडिंग लाइन, बड़ी कर्व लाइन, एक और कर्व लाइन। ध्यान रहे जो हम बीच में ये स्लीपिंग लाइन लगाते हैं वो हम बीच की लाइन से ही लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर लगाते हैं स्टैंडिंग लाइन, ये बनता है हमारा वर्ण झ। ये हम बड़ा बड़ा यहाँ इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये बनता हमारा वर्ण झ। झ के बाद आता है हमारा वर्ण य। हम कैसे बनाएंगे वो हम जो हमारी बीच की तीन लाइनें हैं इन तीनों लाइनों के बीच से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहली ऊपर की दो लाइनों के बीच से और नीचे की दो लाइनों के बीच तक हम एक हाफ सर्कल बनाएंगे। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, फिर हम बीच की लाइन से एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, फिर हम एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। तो ये बनता है हमारा वर्ण ये। ध्यान रहे ऊपर का जो हम बनाना स्टार्ट करेंगे वो दो लाइनों के बीच से स्टार्ट करेंगे, फिर नीचे की दो लाइनें हैं उनके बीच तक इसको लेके आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, फिर हम एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, फिर हम एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। ये बनता है हमारा वर्ण ये। Yeah।